हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो भाई लोग, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M01 कोर में आप लोग रिसाइकल बिन कैसे एक्टिवेट कर सकते हो, वो भी बिना किसी ऐप के इंस्टॉल करे या फिर बिना किसी सॉफ्टवेयर के। तो भाई लोग, इस पे बस आपको एक ही चीज़ चाहिए होगा, वो है गूगल फाइल्स। तो भाई लोग, सबसे पहले तो मैं आप सभी को थैंक्स कहना चाहता हूँ क्योंकि मेरा 600 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है। तो प्लीज़ भाई लोग, और भी सपोर्ट करते रहना। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को कर देना एक लाइक, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। हमें 1000 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी कंप्लीट करना है। तो भाई लोग, सबसे पहले मैं तुम्हें प्रूफ दिखा देता हूँ। मैं सिस्टम में गया और अबाउट फ़ोन पे क्लिक किया, तो देख लो मेरा सैमसंग गैलेक्सी M01 कोर ही है, देख लो भाई लोग। तो सबसे पहले तुम्हें ना तो कोई ऐप इंस्टॉल करना होगा, ना ही कोई सॉफ्टवेयर, बस तुम्हें एक ऐप चाहिए होगा, वो है गूगल फाइल्स। तो मैंने गूगल फाइल्स को ओपन किया। अब जब आप गूगल फाइल्स को ओपन करेंगे तो आप सभी को करना कुछ नहीं, यहाँ पर जो लेफ्ट साइड पे थ्री डॉट्स है वहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद जहाँ पर बिन लिखा हुआ है वहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप बिन पर क्लिक करेंगे तो आपको बैक आ जाना है, और कुछ भी आपको डिलीट करना है, आपको गैलरी से डिलीट नहीं करना है, ना ही गूगल गैलरी से डिलीट करना है। देख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट डिलीट करने वाला हूँ। तो आप अगर यहाँ से डिलीट करेंगे तो डायरेक्ट डिलीट हो जाएगा, लेकिन अगर आप फाइल से डिलीट करेंगे तो देख लो, मैं अब यहाँ पर एक इंस्टाग्राम का एक फ़ोटो डिलीट करने वाला हूँ। तो जब मैं यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करता हूँ, मूव वाइल वन फाइल टू बिन लिखा हुआ आ रहा है। तो देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये यहाँ पर डिलीट तो हो चुका है, लेकिन ये यहाँ पर अभी रिस्टोर करने का लायक है, क्योंकि जब हम रिसाइकल बिन पर क्लिक करते हैं तो ऑल आइटम पे क्लिक करते हैं, तो देख सकते हो, ये देख लो, ये आ रहा है। तो भाई लोग, रिस्टोर करना भी इजी है, जस्ट उस फोटो पर क्लिक करो और रिस्टोर कर सकते हो। तो भाई लोग, ये हाइड भी हो सकता है यहाँ पर रख के फोटोज और वीडियोस। भाई लोग, जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना, और कमेंट में भी बताना कि कैसा रहा आज का वीडियो।